यहाँ पे देखो आईवैक्स, ये हमको ही देख रहा है। एक हमारा एल्पाइन स्टाइल होता है, एल्पाइन स्टाइल में होता है कि ओके नहीं हो मैनेज। आप कैसे मैनेज करते हैं इतना घूमते? सर इतना घूमना मैनेज कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यात्रा विद योगी। तो आज अभी टाइम हो गया है 9:30, हमने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है। हम रुके थे केलोंग में रिलबुरी होम स्टे में, तो अब इसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले दाचा, वहां से देखेंगे हमको कहाँ की परमिशन मिलती है। एक्चुअली हम परमिशन पहले लेने जा रहे थे, पर हमने परमिशन इसलिए नहीं ली बिकॉज आज ट्रैफिक का कुछ ऐसा है कि वन साइड किया हुआ है, आप एक दिन में पास को एक ही बार क्रॉस कर सकते हैं, तो हमको आगे की परमिशन तो मिलेगी नहीं, तो हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं एसपी ऑफिस जाके परमिशन लेने के लिए। तो गाइस आपको मैं ये बता दूं यहाँ का नाम रिलबुरी होम स्टे क्यों है। ये जो आप पीक देख रहे हो ऊपर बोथोली पीक है, इसका नाम रिलबुरी है। भाई ने इसका नाम रिलबुरी इसलिए रखा है होम स्टे का बिकॉज इट्स अ वेरी होली पीक हेयर। एंड भाई के होम स्टे में सबसे स्पेशल मुझे तो ये रेस्टोरेंट लगा, यहाँ की एकोमोडेशन बेस्ट, फूड बेस्ट। सो गाइस जब भी आप एक बार केलोंग आए रिलबुरी होम स्टे जरूर विजिट करें। आकिरन कितनी अच्छी आज, आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा इंसान दिल से सुंदर होना चाहिए। ये हमारे भाई नवांग रिंचन जिनका ये होम स्टे है रिलबुरी। मोस्ट वेलकम गाइस जो भी देख रहा है। बिल्कुल भाई इनके यहाँ पे जरूर विजिट करें यार, इतनी पॉजिटिव वाइब बहुत कम जगह मिलती है, स्पेशली यहाँ से जो व्यू है वर्थ इट है यहाँ पे विजिट करना। तो हमारा GoPro भी अब चार्ज हो चुका है। हेयर वी स्टार्टेड अगेन, अब के सारे शॉट्स GoPro से आएंगे। ये रही मेरी जीप। Now we are here in Jispa. आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स। एंड ये जो रिवर है ये है भागा, एंड ये तांदी में जाके चंद्रभागा बनती है, चंद्रा के साथ मिलती है, वहाँ पे संगम होता है चंद्रभागा का। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। हम पहुंच गए दारचा और आप ये देख रहे होंगे दारचा का नया ब्रिज। पहुंच गए हम दारचा चेक पोस्ट पे, अब देखते हैं हमको यहाँ पे परमिशन मिले ना मिले, लेट्स सी। सो अब हमको यहाँ रोक दिया गया है, अपने फाइनली शिंखुला के लिए तो नहीं मिली पर हमको मिली है बारालाचा के लिए भी नहीं मिली, हमको मिली है दीपक ताल के लिए मे बी, पर वी कैन कवर, देखते हैं लिखवा के इतनी एंट्री में हम कहाँ तक जा सकते हैं। सो हियर वी गो। सो फ्रेंड्स हमने सोचा था हम जाएंगे शिंखुला, बट शिंखुला के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। फी सेशन, इसका फोटोग्राफी सेशन ही खत्म नहीं होता है कभी। तो तेरा वीडियो का सेशन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी जिगरी दोस्त, कोई बात नहीं मेरी जिगरी दोस्त, यहाँ पे भी तेरे को फोटो। हाँ कैसा कैसा फोटो चाहिए देखो, सही जैसा। हम तो उड़ गए यहाँ से चढ़ी खत्म। मैम आपका फोटोग्राफी से। सो यात्रा विद योगी, यात्रा विद योगी, हम लोग इतनी यात्रा करते हैं। योगी हाउ कैन यू मैनेज, आप कैसे मैनेज करते हैं इतना घूमते? सर इतना घूमना मैनेज कैसे करते हैं? तो सर का क्वेश्चन है मैं इतना घूमना कैसे मैनेज करता हूँ। सर ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वो सही बात है। सारा मेरा जितना पैसा है मनी मेरी गाड़ी पे, मेरे घूमने पे, मेरे क्लाइंबिंग में, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेरे को सेल्फ लव बहुत ज्यादा है। अभी क्या मिल रहा है फिर?
क्या मिल रहा है? सुकून. Yeah. I feel alive. You know my why I return my tattoo? मैंने अपने tattoo भी क्यों लिखवाया? क्या लिखा है मेरे tattoo में? Like a true nature's child, I was born to be wild. Sir is saying, Yogi is living a king size life. A king size life. Yeah. So चले? Yes. Let's move. Can we get a chance to touch snow? Yeah, definitely. वाले रास्ते में ना यहाँ पे ठीक ना लो. तो हमने लगा दिया था जाम. सो फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच दीपक ताल. तो दीपक ताल में हमने आके सोचा था हम चाय पानी पियेंगे, लेकिन इस सीजन में भाई अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं. कितना टाइम बंद रहता है भाई आपका इस सीजन में? मतलब हमारा रहता है 6 से 7 महीना. 6-7 महीना बंद रहता है ना. जल्दी आ गए इस बार हम. थोड़ा इस बार पर स्नो कम पड़ा है काफी टाइम से. स्नो तो ठीक ही पड़ा, उतना कम तो नहीं. हर साल से ऐसे मेरे को लगता है इस साल कम रहा है. थोड़ा कम है, थोड़ा कम है. तो भाई 4-5 दिन में भाई की शॉप ओपन हो जाएगी. तो फिर आप जब भी आप यहाँ पे दीपक ताल विजिट करते हो तो आपको यहाँ पे चाय, डिनर, लंच सब कुछ की अवेलेबिलिटी यहाँ पे भाई प्रोवाइड करवा देते हैं. तो भाई भाई को देंगे हम अच्छे अच्छे शॉट. भाई हैदराबाद में ना लोग पागल हो जाएंगे, मजाक नहीं. सही बात है. आपको मैं इतने अच्छे अच्छे शॉट्स दूंगा यहाँ से और उनको एडिट करके मैं खुद दूंगा. क्या व्यू है यार, मजा आ गया कसम से. यहाँ शायद हमको चाय वगैरह मिल रहा है. सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब दीपक ताल से आगे और यहाँ की जो वाइब्स है ना यार, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है सच में. कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है. इतनी पॉजिटिव वाइब्स. Very peaceful. I feel very lucky कि यहाँ पे आने का और मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ. तो गाइज, ऐसे ही व्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यात्रा विद योगी. ऐसे तो यहाँ पे सब क्लोज है, पर यहाँ पे जो आंटी आए हैं, दुकान लगा रहे हैं आंटी वगैरह, तो इन्होंने हमारे लिए चाय बनाने को एग्री हो गए. तो अब हम पियेंगे चाय यहाँ पे. Nice. आपसे मिलके 3 दिन का सफर बहुत अच्छा रहा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, मेरे को भी आपके साथ बहुत मजा आया. एक डाउट है मेरे को, सी आप जैसा माउंटेनर रहते ना, कितने दिन लगता है उधर तक जाने के लिए? ये देखने में से बहुत नजदीक दिख रहा ना. लेकिन माउंटेनर कितने दिन में जा सकते? सर माउंटेनियर का ऐसा है कि आप जब माउंटेनियर जाएगा तो एक प्रिपेयर होके जाएगा, पूरा एक टाइम लेके चलेगा. लाइक 8 days, 10 days वो किस तरह से क्लाइम कर रहा है. एक हमारा एल्पाइन स्टाइल होता है. एल्पाइन स्टाइल में होता है कि हम कम से कम सामान के साथ जल्दी से जल्दी क्लाइम करें. दैट्स एल्पाइन क्लाइंबिंग. एंड डिफरेंट ऐसा है कि जब अगर हमारे साथ आप जा रहे हो, लाइक क्लाइंट जा रहे हैं, इफ़ यू आर माउंटेनियर, आप भी माउंटेनियर हो, तो हमारी प्रिपरेशन माउंटेनियर में बहुत डिफरेंट रहती है. लाइक वी नीड इक्विपमेंट्स, वी नीड पोर्टर्स, वी नीड कैंप्स, एंड वी नीड मैप नेविगेशन मैन. हमको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है. तो लाइक इसमें जैसे आप एल्टीट्यूड गेन करो, जो आपको पैच दिख रहा है, आपको यहाँ से आपको ये पैच लग रहा होगा कि इतना सा है, वो बहुत बड़ा होता है. एंड जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन होता है, थकते भी बहुत ज़्यादा है, टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंप्रेस हो जाता है. दैट्स व्हाई लाइक 10 to 14 days मे बी. ओके, एक्सपेडिशन
बिकॉज जब भी हम कोई एक्सपीडिशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, पहले एक रिपोर्ट बनता है, एक्सपीडिशन रिपोर्ट बनेगी, प्रिपरेशन रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जाके हम प्लान करेंगे। ओके, इमरजेंसी का भी प्रिपरेशन होगा। जब भी अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपके पास हैपो एको बैग होने चाहिए, कुछ मेडिकल फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, डॉक्टर साथ होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए। लेकिन ये सारा कैरी करे तो बहुत वजन हो जाता ना। जी सर, वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। जी सर, इट्स अ दैट्स व्हाई इट्स माउंटेनिंग। माउंटेनिंग नॉट इजी, आपको सब खुद कैरी करना पड़ता है। एक आदमी कितने किलो का वजन कैरी कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 30 kg करना पड़ता है। 30 kg एंड बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको ज्यादा भी लाना पड़ता है। ओके, और कभी बिस्किट के लिए वाला। थैंक यू वेरी मच। एक बिस्किट दे। नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑफ रोड। वेरी नाइस। यही तो जिप्सी का मजा है। पूरा पानी में जाओ भाई, ऑफ रोडिंग करना है तो जिप्सी में ही मजा आता है। सो हियर वी आर। Guys, finally we are going back now. काफ़ी टाइम हो गया है, हमको मनाली जाना है, डेट बच चुका है, तो हम जाएंगे वापस। उससे पहले करेंगे हम जिसपा में लंच। एक्चुअल में हमारा प्लान था आज बारालाचा या शिंखुला जाने का, बट हमको परमिशन नहीं मिली बिकॉज ऊपर से ट्रैफिक आज नीचे की तरफ को आ रहा है एंड स्नो कटर्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक इट्स गुड बिकॉज अथॉरिटीज़ को सेफ्टी सबसे पहले देखनी पड़ती है। तो गाइज अब हम चलते हैं वापस। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें यात्रा विद योगी एंड वी विल ट्रैवल फार, वी विल डू मोर यात्रा। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यात्रा विद योगी। इस यहाँ पे देखो आईवैक्स, ये हमको ही देख रहा है, कुछ नहीं करेगा। इनका भाग गया, अब हमको देख के भाग गया। इनका बाकी ग्रुप यहाँ ऊपर है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। One is there, they are coming up. वो आ रहे हैं ऊपर, वहाँ से वो आया रोड पे, वो रोड पे आ गया है। नाइस नाइस भाई, ये तो हमको ही देख रहे हैं। ये देखो कैसे चढ़ता है आईबैक्स। That's why friends it's called आईबैक्स। खड़ गया ऊपर, खड़ गया है, सब हमको ही देख रहे हैं। पूरा ग्रुप है यार, ये ऊपर को तो बहुत बड़ा ग्रुप है। और क्या बच्चे हैं ऊपर? बच्चे हैं, ये आईवैक्स है और इनके साथ दूसरी वाली वो भी है जो गॉट नहीं होती। हाँ। माउंटेन गॉट भी है ऊपर जो दूसरा वाला, यार क्या बोलते हैं उसको, ब्लू शिप क्या कुछ बोलते हैं यार उसको। हाँ वो भी है ऊपर। सो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहे, मुझे सब्सक्राइब करें। अभी आपको मैंने पूरा का पूरा आईबैक्स का ग्रुप दिखाया, यहाँ से ऊपर को पूरे आईबैक्स के ग्रुप है, साथ में यहाँ पे ब्लू शिप भी है। अमेजिंग यार, एक्चुअल में ये सबसे तगड़े क्लाइंबर होते हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअल क्लाइंबर कौन है, माउंटेन गॉड कौन है, आईबैक्स। क्या चल रही है? ठीक ठाक हवा चल रही है, विंड लेवल। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने लंच कर लिया है, अभी टाइम हुआ है 4:20। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा है हमारा, हम रिंचन भाई के पास बैठे, हमने यहीं से शुरू किया था आज हमने सुबह का अपना ट्रैवल। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो गाइस अब ऐसा है कि एग्जॉशन भी बहुत हो जाती है कि हम 3 दिन से ड्राइव पे ही है, कभी इधर कभी उधर। तो अब ऐसा है कि अब हम जाएंगे सीधा घर और इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यात्रा विद योगी। सो गुड बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, थैंक यू रिंचन भाई।